हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आज आप लोगों को अपना गांव दिखाता हूं और बताना कैसा लगा आपको मेरा गांव। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूं। ये मेरा घर है, 2 मंजिल है। ठीक है, और ये सामने मेन रोड जा रहा है। ठीक है, यहां से देखो, ये जहां से स्कूटी जा रही, तो ये मेरा मेन रोड है। ये सीधा जाएगा यहां से आगे, मेन रोड जो हाईवे पर टच होता है, यहां से 3 किलोमीटर है। तो ये मेरा गांव है, और ये जो कॉलोनी कट गई है, पहले ये खेत हुआ करते थे, तो कुछ भी नहीं था। ये सारा, ये जो घर बना ये सारा जंगल था, है ना। तो मैं आप लोगों को दिखाऊं, जितने भी ये, अब तो इस पेड़ में फूल वगैरह आ चुके हैं। ठीक है, तो ये जहाँ हम खड़े हैं, ये बिल्कुल जंगली जंगल था। ये सारी लकड़ियाँ जितनी भी थी, ये सारी पड़ी हैं। ये देखो, लकड़ी कटाई वगैरह हुई पड़ी, तो ये सारा जंगल था पहले। कोई कच्चे घर हुआ करते थे यहाँ पर, सारे कच्चे घर थे। अब देखो भाई, आज 10 साल हो गए हैं। 10 साल में इतना बदलाव हुआ है कि घर भी पक्के हो गए, छत भी जो है वो भी लेंटर की डली है यहाँ पर ज़्यादातर। ठीक है, और ये आपको गांव दिख रहा होगा। ठीक है, ये गांव इससे आगे है, गांव गांव इससे थोड़ी सी आगे है इस साइड। ये कॉलोनी है। ठीक है, और ये कॉलोनी के साथ साथ, ये साथ में ये आपको दिख रहा होगा, ये दिख रहा है ना आपको ऊंचाई ऊंचाई सी, ये वाली, ये तो ये है रेलवे स्टेशन। ठीक है, रेलवे स्टेशन, रेलवे की पटरी वगैरह जो भी बिछी हुई है इनके ना, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा रेलवे स्टेशन, ये रहा। ठीक है, तो ये रेलवे स्टेशन है, तो ये मालगाड़ी निकलती है यहाँ पर। तो ये मेरा छोटा सा गांव है। तो आई होप कि आपको अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि जो शहरों में बस रहे हैं और उनको पता नहीं है कि गांव का जो महत्व होता है, वहाँ का रहन सहन होता है, वो कैसा होता है। हालांकि जो बच्चे हैं उनको शहर में ही आदत बन गई है रहन सहन की। ठीक है, गांव में उनका आन जान कम होता है। और ये मेरा गांव ही है, ये हमारा BPL का AC लगा पड़ा है ना, तो गांव का हिसाब देख ही लो आप। ये सबसे पुराना, 1947 से पुराना गांव है। उस टाइम यहाँ के जो मुसलमान रहते थे वो छोड़कर चले गए, है ना। तो उसके बाद यहाँ और आके बसे, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान बंटवारा हुआ तो मुसलमान यहाँ से छोड़ के चले गए थे। तो यहाँ इस गांव में पुरानी कब्रें बनी हुई हैं। ये देखो आप, ये छोटी बच्ची सफाई कर रही है, यहाँ पेड़ के नीचे भैंस वैंस बनती हैं। और ये मेरा जो भी छोटे से गांव का नज़ारा है, आप देख ही रहे हो। ये कॉलोनी है ये वाली। ठीक है, ये कॉलोनी, यहाँ पर जो भी पहले खेत हुए करते थे, जब ये कॉलोनी कटी तो फिर लॉकडाउन लग गया। अगर लॉकडाउन ना लगता तो अब तक तो ये सारी की सारी कॉलोनी भर गई होती, है ना। लेकिन दो दो मंजिल मकान बन रहे हैं, हमें भी खुशी है कि यहाँ बसावट आती जा रही है, पहले ऐसा नहीं था। तो ये किसी नेता का ऑफिस वगैरह बन रहा है ना, कोई नई पार्टी है, तो काफ़ी बड़ा है। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा ये व्लॉग और ये वीडियो जो मैं ये शूट कर रहा हूँ। ये हमारे इधर आपको बिल्डिंग दिख रही है, ये जो बिल्डिंग दिख रही है, ये नोएडा की बिल्डिंग है। नोएडा मेरे यहाँ से 3 साढ़े 3 किलोमीटर नोएडा पड़ता है। ठीक है, इसमें वीडियो में तो ये बिल्डिंग तो दूर है, लेकिन जो नोएडा शुरू हो जाता है 3.5 किलोमीटर दूर है। देखो ये बिल्डिंग दिख रही है। ठीक है, इसको बबूल का पेड़ भी बोलते हैं, देसी कीकर भी बोलते हैं। ठीक है, इस वाले पेड़ को आप लोगों के भाषा में क्या बोलते हैं वो बता देना। इसको बकेन बोलते हैं, वो नीम है, नीम का पेड़ वो जो दिख रहा है आपको, मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये नीम का पेड़ है, ये पॉपुलर है, ये बड़ा वाला। ठीक है, और ये जो बिल्डिंगें दिख रही हैं, बिल्डिंग्स, ये बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, एशिया का नंबर 1 अमृतानंदमयी हॉस्पिटल। आप गूगल करके देखना, अमृता हॉस्पिटल, काफ़ी बड़ा है। ठीक है, कॉलोनियाँ बसनी शुरू हो चुकी हैं, और सितंबर का महीना है, धूप भी ऐसे लग रही है जैसे सर्दियों में लगती है ना, तो इस तरीके से। तो आपको कैसी ये वीडियो लगी आप मेरे को ज़रूर बताना।